टेक्निकल लाइव स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे होगा ये कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस के जो लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे जून में, तो वो कैंसिल हो चुके हैं। दोस्तों हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यदि आपने एग्ज़ाम दिए थे यूपी पुलिस की भर्ती के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हुए थे और वो परीक्षा अब कब होगी, कैसे होगी, ये सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों यदि आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस आपको सर्च करना है। तो आपको नीचे आना है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये वाली वेबसाइट है upbpb.gov.in। तो इस तरह की वेबसाइट है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा देखने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए ये जो लिख रहा है प्रेस विज्ञप्ति, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PAC के पदों पर सीधी भर्ती सन 2018 के अंतर्गत दिनांक 18 जून सन 2018 एवं 19 जून सन 2018 को द्वितीय पाली में आयोजित ऑफलाइन परीक्षा निरस्त किए जाने के संबंध में। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखिए एक तो आपके सामने एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो उसे आपको ओपन कर देख लेना है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसके ये सूचना दी गई है इसमें कि क्यों हुई है कैंसिल और कब होएगी। तो देखिए पढ़कर देख लेते हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PAC के पदों पर सीधी भर्ती सन 2018 के अंतर्गत दिनांक 18 जून सन 2018 और 19 जून सन 2018 को प्रतिदिन दो पालियों में प्रवेश के विभिन्न जनपदों में ऑफलाइन परीक्षा कराई गई थी। इस ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र को प्रथम पाली में कतिपय केंद्रों पर वितरित किए जाने की बात संज्ञान में आई है, जिसके फलस्वरूप उस परीक्षा की सुचिता निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को अक्षुण बनाए रखे जाने के दृष्टि बोर्ड द्वारा। तो दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बारे में यही लिखा है कि ये जो परीक्षा थी वो निरस्त हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो अब वो द्वारा शीघ्र ही आयोजित की जाएगी, वो जल्द ही हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया है आपको इसे ऐसे ही डाउनलोड करना है। यदि आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।